प्रवक्ता अभिषेक झा बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आर्यमन। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी सरकार सभी के साथ न्याय करती है, अपराधी की कोई जात और धर्म नहीं होती और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किसी जात और धर्म के चश्मे से न्याय नहीं करते हैं। जो अपराधी है उसे सजा मिलेगी और उसे बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हमारे नेता ने किसी को भी धर्म के चश्मे से नहीं देखा है। बिहार में क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है, कोई भी गलत करेगा किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सासाराम या बिहार शरीफ की घटना हो, लगातार कार्रवाई की जा रही, गिरफ्तारियां हो रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आने वाले लोग क्यों ना हो, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने बयानों से वो साबित करते हैं कि किसी खास समाज को पोलराइज करने के लिए, खुश करने के लिए वो बयान देते हैं। असल में ये लोग भाजपा की बी टीम है जो भाजपा के इशारे पर ही इस तरह के बयान देते हैं ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। समाज में जहर फैलाना इन लोगों की प्राथमिकता है। तो आपने सुना कि प्रवक्ता अभिषेक झा ने क्या कहा, किसी भी तरह से अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी जात धर्म को लेके न्याय नहीं करती है जदयू सरकार। प्रवक्ता अभिषेक झा जी का यह कहना है। तो हर छोटी सी बड़ी खबर को जानने के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।